हेलो गाइस, आज हम लोग बनाने वाले हैं मछली का झोल। ये है पारसे माछ, ये हम लोग फ्राई करके रखा है और यहाँ इसका मसाला हो रहा है जीरा, अदरक और मिर्ची। ये तीन तरीके से, हरी मिर्च है, ये तीन तरीके से इसका झोल बनता है। प्याज लहसुन देके भी बनता है और जो है एक सरसों से बनता है। आज पर हम लोग आज जीरा अदरक से बनाने वाले हैं। ये मदर इन लॉ देखिए पीस रही है। कैसे बनेगा इसका झोल बताइए, क्या देंगे इसमें? फोरन हम लोग इसमें देंगे, हम लोग फोरन काली जीरा ना, मंगरेला काली जीरा जिसको बोलते हैं वो देंगे। ये मसाला पीसा जा रहा है। मछली को हमने यहाँ पे पहले से फ्राई करके रख लिया है। ये देखिए नमक हल्दी लगा के फ्राई करके रख लिया है, झोल बनेगा। ये देखिए हमारा मसाला पिस चुका है, मसाला रेडी, जीरा अदरक एंड मिर्ची। कढ़ाई में हमने तेल डाला है, इसमें मंगरेला डालेंगे और इस मछली के झोल में हम थोड़ी सी सब्जियां डालें, सब्जी खाना हेल्दी होता है। ये है डाठा, लाल साग का, किस साग का डाठा है ये माँ? हरा साग, हरे हरा हरा साग है ना, ये हरे साग का डाटा है और ये आलू है। ये दोनों चीज जाएगा इस मछली के झोल में और ये बहुत टेस्टी होता है। ये देखिए मेरी मदर इन लॉ बनाने वाले, क्या बना रहे हैं आप? मछली का झोल। कौन सा मछली है बता दीजिए? पारसे मछली। और क्या डालने वाले हैं तेल में? इसमें अभी तेल में मंगरेला डालेंगे। हाँ ये देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें ये मंगरेला रखा है और ये मंगरेला डालने वाले। ये गया मंगरेला तेल में। अब मंगरेला के साथ हम लोग डाल देंगे इसमें सब्जियां। ये जा रहा है आलू और ये गया हरा साग का डाटा, इसको हम लोग फ्राई करेंगे 2-3 मिनट, फिर मसाले डालेंगे। ये जो मसाला हमने यहाँ पे तैयार करके रखा हुआ है, ये रहा मसाला, ये मसाला हमने तैयार करके रखा हुआ है, मसाला डालेंगे। नमक हल्दी सब मसाले के साथ डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। जब अच्छे से सब फ्राई हो जाए तब इसमें पानी डाल के झोल लगा देंगे, रस लगा देंगे। और जब सब कुछ सीख जाए, थोड़ा सा बाकी रह जाए, हल्का कच्चापन एकदम हल्का, तब इसमें मछलियां डाल देंगे। ये मछलियां फ्राई करके रखा है, इसे हमने ढक दिया, ये थोड़ा सा कुक होने का 2-3 मिनट, फिर मसाले डाल के इसे फ्राई करेंगे। ढक्कन खोल रहे हैं, 1 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन हटाया और ये देखिए ये फ्राई हो गया है बहुत हद तक। और थोड़ा सा फ्राई होगा, ये हमारे मसाले तैयार करके हमने रख लिए हैं, जीरा नमक हल्दी। ये थोड़ा सा जीरा है, इसे हमने सिलपट्टे पे पीसा है। सिलपट्टे पे पीसने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और आपके थोड़े से हाथों की कसरत भी हो जाती है, डोले शोले बन जाते हैं। नमक हल्दी ले रखा है, सब इसे मिक्स करके इसमें डालेंगे, डाल के फ्राई करेंगे अच्छे से, फिर इसमें पानी लगाएंगे। ये देखिए हमारा सब्जी फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें मसाले डालेंगे, जीरा अदरक मिर्ची का पेस्ट नमक हल्दी डालिए और इसको अच्छे से फ्राई करना है लो मीडियम हीट पे। थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं आप इसमें ताकि मिक्स हो जाए, अच्छे से फ्राई कर सके। ये गया पानी, हाँ हाँ बढ़िया से खुशबू आ रही है, ये बहुत टेस्टी बनने वाला है, बिलीव मी। आप बना के देखिए, खाइए, कैसा बनता है कमेंट करके जरूर बताइए। ये देखिए क्या मस्त दिख रहा है, अभी से फ्राई करेंगे ढक ढक के। ये चला गया ढक्कन, फ्राई हो जाने के बाद ये मछली हमने यहाँ पे रखा हुआ है इसको हम डाल लेंगे, जैसे ये सिज जाएगा तब। ये देखिए मसाले हमारे फ्राई हो चुके हैं, हमने इसमें बहुत कम तेल लिया है इसलिए बहुत हेल्दी है, ऐसा नहीं कि ढेर सारा तेल लगा है। देखिए मुझे इसकी ये भी लग रही है मसालों की, अब इसमें पानी डालेंगे। ये गया पानी, अब अपने हिसाब से पानी डालें, बहुत ज्यादा पतला या बहुत ज्यादा गाढ़ा ना करें इसका, वैसे थोड़ा पतला ही झोल खाते हैं क्योंकि अपने इसमें बहुत कम
तेल और मसाले यूज किए, इसलिए बहुत हेल्दी है। बच्चों के लिए तो काफी बहुत ज्यादा हेल्दी है, बच्चों को दे सकते हैं ऐसा खाना। अब हम इसका आंच जो है बढ़ा देंगे और जैसे ही एक उबाल आएगा आंच थोड़ा सा मीडियम लो कर देंगे और इसको सिझने देंगे, ढक के सिझ जाए जैसे मछली डाल के, बस एक मिनट उबाल के मछली को उतार लेंगे। टंटना मुझे खांसी आ रही है इसके मसालों की जंग से। ये देखिए ये उबल रहा है, सब्जी पक रही है, ढक्कन खोल दिया। ये देखिए हमारी सारी सब्जियां सिझ गई है ऑलमोस्ट। अब हम इसमें मछली डाल देंगे सारे एक एक करके, और अब ज्यादा देर से रखना नहीं क्योंकि ज्यादा देर से उबालेंगे तो मछली बहुत ही ज्यादा सॉगी हो जाएगी, तो बहुत नरम हो जाएगी। अगर बहुत नरम पसंद है तो उसको ज्यादा उबाले, एक दो मिनट इसे उबाल के उतार लेना है और हमारा मछली झोल रेडी। बहुत टेस्टी हेल्दी कम तेल मसाले में बना हुआ भोजन, बच्चों के लिए सबके लिए बहुत हेल्दी। ये देखिए हमारा झोल रेडी, ये एक दो मिनट फूट गया, कितना खूबसूरत दिख रहा है और टेस्टी भी। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये गया हमारा झोल विद सब्जी, बहुत ज्यादा हेल्दी, दोपहर में चावल के साथ इसे खाएं। ये देखिए सुपर टेस्टी दिख रहा है। चलिए आप बनाइए खाइए और हमें बताइए कि कैसा लगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय।